दोस्तों, मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ये जो फोर्ड के गाड़ियाँ होते हैं, फोर्ड फिएस्टा और फिगो, इनमें जो इंजेक्टर होते हैं इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। फोर्ड के गाड़ियों में इंजेक्टर पेजो इलेक्ट्रिक दिए जाते हैं और ये पेजो इलेक्ट्रिकल जो इंजेक्टर है ख़राब होने के बाद बहुत ही नॉकिंग आता है गाड़ी में और इंजन का साउंड आइडलिंग में बहुत ही रफ आता है, सुनने लायक नहीं आता है। इसमें इंजेक्टर सभी कॉन्टिनेंटल के हैं और दो नंबर का इंजेक्टर जो ख़राब था वो सीमेंस का बिठाया था, सेकेंड हैंड था। तो ये सेकेंड हैंड इंजेक्टर बहुत ही नॉकिंग करने लगा गाड़ी में, आइडलिंग बहुत रफ था। तो अभी नया इंजेक्टर मंगवाया कॉन्टिनेंटल का। फोर्ड के गाड़ियों में इंजेक्टर रिप्लेस करने के लिए जितनी तकलीफ़ है उतनी दूसरी गाड़ी में नहीं है। दूसरी गाड़ियों में 15 मिनट में इंजेक्टर चेंज हो सकता है, इस गाड़ी में तो एक घंटा ज़्यादा ही जाता है इसके कंपोनेंट निकालने के लिए। इसके लिए इंजन कवर हटाना पड़ता है, एयर फिल्टर हाउसिंग निकालना पड़ता है, टाइमिंग का साइड कवर निकालना पड़ता है और इंटेक मैनिफोल्ड और वाल्व कवर ये दोनों एक साथ रहते हैं वो भी निकालना पड़ता है, तब जाके आपको इंजेक्टर निकालने को मिलेगा। इसके इंजेक्टर पीछे के साइड में रहते हैं। एयर फिल्टर हाउसिंग निकाल दिया, इसमें इंटरकूलर नहीं रहता है, ये हीट एक्सचेंजर दिया है, इसको निकालना पड़ेगा और इस टाइमिंग कवर को भी हटाना पड़ेगा। उससे पहला ये कूलेंट और पावर स्टीयरिंग डब्बी हटाना पड़ेगा, तब जाके ये इंटेक मैनिफोल्ड निकल आएगा। टाइमिंग कवर निकाल दिया, ये मैनिफोल्ड के बोल्ट 8 mm है, इसको निकाल देते हैं। मैनिफोल्ड बोल्ट निकल दिए और यहाँ EGR के पाइप के दो टॉक्स स्क्रू है, इनको भी निकालना पड़ेगा। निकल गए दोनों। अब यहाँ पीछे दो 10 mm के बोल्ट है, आप यहाँ आईने में देखो 10 mm के बोल्ट दिख रहे हैं, दोनों साइड में दो होते हैं, इन दोनों को निकालने के बाद ही मैनिफोल्ड कवर निकल आएगा। मैनिफोल्ड निकाल दिया, इसको अच्छी तरह धोना पड़ेगा, इसके अंदर कार्बन मिर्बन रहता है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ कैम और वाल्वों को ढक के रखना अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ गिर गया तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं, इसके लिए इसको कपड़े से ढक रखा है ताकि इसमें कुछ गिर ना जाए। यहाँ इंजेक्टर निकला और आप देख सकते हैं नोजल में कितना कार्बन है। ये इंजेक्टर बहुत ही नॉकिंग करता था इंजन में, ये पुराना डाला था पहला, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। नया जो लाया है वो इंजेक्टर कॉन्टिनेंटल का है और ये इंजेक्टर सीमेंस का था। अगर आपके गाड़ी में कॉन्टिनेंटल इंजेक्टर है तो उसमें सीमेंस का डालना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मैचिंग नहीं करते हैं। बाकी के तीनों जो इंजन में है वो कॉन्टिनेंटल के है, आप देख सकते हैं इधर। यहाँ और एक मुसीबत बढ़ गई, ये इंजेक्टर का क्लैम का बोल्ट टूट गया निकलते समय। इंजेक्टर का ये बोल्ट निकलते समय इंजन थोड़ा गर्म होना चाहिए तब ये निकलना आसान है, नहीं तो ऐसे टूट जाते हैं। गाड़ी तो मैंने 15-20 मिनट स्टार्ट करके गर्म की थी लेकिन ये सब कंपोनेंट निकलते तब तक टाइम गया और इंजन ठंडा हो गया और ये बोल्ट निकलते समय टूट गया। इसका आधा हिस्सा देखो इंजन में दिख रहा है। अभी मुझे वेल्डर को बुला के ये बोल्ट का टुकड़ा इंजन में से निकालना पड़ेगा। और ये बोल्ट का टुकड़ा दूसरे दिन वेल्डर को बुला के निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया जाता है अगर बोल्ट इंजन के अंदर टूट गया तो। ये निकालने के लिए पहला जो बोल्ट अंदर टूट गया है उसमें थोड़ा वेल्डिंग भर देते हैं और उसके ऊपर बाद में एक नट लगा देते हैं और उसको वेल्डिंग कर देते हैं, वो आसानी से निकल आता है बाद में। शूट तो नहीं कर पाया मैं क्योंकि वेल्डर को हेल्प कर रहा था मैं। और ये टॉक्स बोल्ट मिल गया एक मुझे क्लैम को लगाने के लिए, बराबर साइज़ का है और इसके ट्रेड भी बराबर मैच हो जाते हैं, तो इस बोल्ट को हम पहले के जगह में लगा देंगे। इंजेक्टर होल भी क्लीन कर दिया, इस होल में कुछ कार्बन नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो नया इंजेक्टर बिठा देंगे वो बराबर नहीं बिठेगा और कंप्रेशन आपका लीक हो जाएगा और उसमें से धुआं बाहर आएगा। ये है नया फ्यूल फिल्टर और नया इंजेक्टर कॉन्टिनेंटल का, दोनों ओरिजिनल है, बुदमो से मंगवाए हैं,
रिजनेबल रेट में मिल गए मुझे। फ्यूल फिल्टर 1350 में मिला और इंजेक्टर 12,432 और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 250 रुपया उन्होंने लिया, तो ये रेट बहुत ही रिजनेबल है। अभी बिठा देते हैं गाड़ी में। इंजेक्टर में इस कॉपर वॉशर को थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये बैठ जाए इंजेक्टर बोर में प्रॉपरली। ऐसा थोड़ा सा हल्का सा लगाना चाहिए। अभी इसको लगा देते हैं इसके जगह पे। बराबर बैठ गया। अभी इसका क्लैंप नए बोल्ट से लगा देते हैं। इस बोल्ट के थ्रेड पहला हाथ से मैच कर देते हैं, उसके बाद में टॉक्स ड्राइवर से इसको टाइट कर देते हैं। इस बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, 30 या 40 Nm टॉर्क देना है इसको। इससे ज़्यादा दिया तो इसके ट्रेड स्लिप हो सकते हैं और हेड भी टूट सकता है पहले जैसा। टाइट हो गया बराबर, फिर भी और थोड़ा टॉर्क देते हैं इसको। बस इतना ही। अब चेंज कर देते हैं फ्यूल फिल्टर को। फ्यूल फिल्टर निकालने के लिए यहाँ का एक स्क्रू है, वो निकालना पड़ता है। और ये उसके नीचे सेंसर का सॉकेट, वाटर इन फ्यूल का सेंसर है, और ये दो होज प्रेस करके निकालना होता है। नया फिल्टर लगा दिया। अभी इसको एयर ब्लीड करते हैं। एयर ब्लीड करने के लिए इस पंप को दबाना होता है एक 10-15 बार, और इस सफ़ेद पाइप से बबल जाते हैं, आपको दिखाई देगा। अभी ये जो होज रिटर्न पाइप का है उसको निकाल के इस बॉटल में डाला है मैंने। इस बॉटल में मैं 2 बार पंप करके डीजल निकालूंगा और फिर से टैंक में डाल दूंगा। ऐसा करने से पूरा एयर निकल जाएगा और फिल्टर में जो भी कचरा है मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी कचरा होता है वो भी निकल आएगा। इसके साथ इस डीजल को आप फिर से टैंक में डाल सकते हैं। अभी ये बॉटल भर गई, इसको डाल देते हैं फिर से टैंक में। और एक बार फिर से निकालूंगा। ऐसा करने से फिल्टर में जो भी एयर था, बबल थे एयर के, वो निकल गए हैं। अभी पूरा फिल्टर फ्री हो गया एयर से। अभी इस बॉटल को टैंक में डाल देते हैं। अभी इस रिटर्न होज को लगा देते हैं इसके जगह पे। बैठ गया बराबर। ये इनटेक मैनिफोल्ड, इसको धो के क्लीन कर दिया बराबर। इसमें जो कार्बन था वो भी निकल दिया। मैनिफोल्ड क्लीन करने से गाड़ी की स्मूथनेस और भी बढ़ जाएगी। अभी लगा देते हैं इसको। ये इसके ओरिंग है, इसको बराबर लगाना होता है, और इजीली बैठने के लिए इसके साइड में थोड़ा ऑयल लगाया तो भी अच्छा होगा। इन चारों होलों में मैंने पेपर डाला था क्योंकि इसमें कुछ कचरा ना गिर जाए, इसलिए। अभी मैं निकाल देता हूँ और मैनिफोल्ड इसमें बिठा देता हूँ। ये इंजेक्टर के 2 ही होज मैंने निकाले थे और ये 2 ही होज में से मैं एयर ब्लीड करूँगा, बाकी दोनों में नहीं करूँगा। बाकी दोनों में करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खोले ही नहीं थे। और इधर देखो फ्यूल आ गया। फ्यूल आ गया मतलब अभी एयर निकल गया इनमें से।
अगर प्रॉपर तरीके से एयर ब्लीड हो गया तो गाड़ी एक क्रैंक में स्टार्ट होनी चाहिए। मैनिफोल्ड लगा दिया, टाइमिंग का साइड कवर लगा दिया और सभी अच्छी तरीके से फिट कर दिया और ये हीट एक्सचेंजर भी लगा दिया। फिएस्टा और फिगो में इंटरकूलर नहीं होते, हीट एक्सचेंजर दिया है। अभी कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और यहाँ गाड़ी एक झटके में चालू हो गई। अभी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा नॉकिंग है इंजन में, वो भी चला जाएगा थोड़ी देर चलाने के बाद। फोर्ड की गाड़ियों में इंजेक्टर कोडिंग नहीं होते हैं, ये इंजेक्टर आप कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि इनका ECM जो होता है वो लॉक्ड होता है। इंजेक्टर लर्निंग के लिए आपको गाड़ी 50-60 किलोमीटर चलाना होगा और नॉकिंग जो है वो बिल्कुल चला जाएगा 60 किलोमीटर चलाने के बाद, और इंजेक्टर लर्निंग भी अपने आप हो जाएगा। पहला जो इंजेक्टर था उसमें एक कोड आता था इंजेक्शन लर्निंग नॉट डन करके, क्योंकि वो इंजेक्टर ही फॉल्टी था। अभी सभी फिटिंग हो गया, अभी जाते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और इंजेक्टर लर्निंग फंक्शन कर देते हैं। तो निकलते हैं अभी ड्राइव को। पहला जो प्रॉब्लम था स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो करते हैं तब गाड़ी बंद पड़ती थी, वो बिल्कुल ही अभी सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।